कल परसों दोनों दिन मैंने आपके सामने ध्यान करने का तरीका रखा। कैसे करेंगे? ध्यान का मतलब परमात्मा की गहरी याद। ध्यान ध्यान और ध्यान से ही आनंद है। अगर आप आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ध्यान करना बहुत जरूरी है, वो भी अपने इष्ट के चरणों में। अपने इष्ट के चरणों में जितना आनंद है, संसार की किसी वस्तु में उतना आनंद नहीं है। आनंद वस्तु में नहीं है, आनंद आपके अंदर है, दिखाई भार देता है। आनंदित अंदर से होते हैं हम लोग, तो ये बहुत जरूरी है। तो कल और परसों मैंने ध्यान करने का तरीका बताया, आधा घंटा सुबह ध्यान, आधा घंटा सायंकाल पूजा। पूजा में ध्यान, जो आज तक पूजा आप करते चले आ जा रहे हैं, वो है हमारी शारीरिक पूजा, शरीर से। ध्यान आनंद योग, ध्यान योग सहज योग, ये सब एक स्टेज ऊपर उठे शारीरिक पूजा से, ऊपर उठिए मानसिक पूजा पर। मन से शारीरिक पूजा का लाभ है, शरीर आरती गाता होता है, मन घर के कामों में लगा रहता है, लाभ है। पर जितना लाभ मन से करने में है, मन से करेंगे चित्त प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा और चिरजीवी होगा। अगर एक बार आपने मेडिटेशन कर उसका आनंद प्राप्त कर लिया ध्यान योग का, तो रह रह के आपको उसी की याद आएगी और बार बार उस काम को करने का मन करेगा। बार बार बैठेंगे उसके आनंद को लेने की भरपूर कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिक आपका टाइम, आपका समय बढ़ता चला जाएगा पूजा के अंदर। जैसे जैसे आपको अनुभव होंगे, जैसे जैसे आप आनंदित होते चले जाएंगे ध्यान के योग से, वैसे वैसे आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा हल्की होती चली जाएगी। मन पर कोई भार नहीं होगा, मस्तिष्क पर कोई बोझ नहीं होगा, बड़े आराम से इस रास्ते पे चलते जाएंगे और अपने योग को प्राप्त करेंगे। तो अब ये एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री सोनू जी भजन कहेंगे। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु चरणन चित लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, फूल जाए तेरो फूटो भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु चरणन चित लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी।
गुरु चरणन में गंगा बहत है, गुरु चरणन में माँ गंगा बहत है, जी भर गोता लगाव रे तेरी बिगड़ी बनेगी, जी भर गोता लगाव रे तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु चरणन संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु चरणन आनंद सुख सागर, गुरु चरणन सकल तीर्थों का सागर, आज चरणामृत कर पान रे तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु चरणन चित लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सतगुरु मेरे प्रभु गिरिधर नागर, सतगुरु मेरे प्रभु गिरिधर नागर, कृपा करो काटो कुभाग रे मेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु चरणन चित लाग रे मेरी बिगड़ी बनेगी, सतगुरु चरणन संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, कागा से तुहें हंस बनी है, कागा से तुहें हंस बनी है, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु चरणन संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, आँख खुली तो बहुत मन रोया, आँख खुली तो बहुत मन रोया, आज असुवन पखारो पावरे तेरी बिगड़ी बनेगी, आज जाग सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु चरणन संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु चरणन चित लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु चरणन चित लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। माता और बंधुओं, अभी तक हमने साधना की पहली सीढ़ी पार की, और पूजा क्यों करें, कैसे करें, इसके विषय में भी बताया गया। शुरुआत आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, अब और डिटेल में पूजा का तरीका बताया कि किस तरीके से पूजा की जाए। ध्यान, हमारा रास्ता ध्यान योग का रास्ता है, ध्यान है तो आनंद है, शारीरिक पूजा है अगर मानसिक है और आनंद है, यह रास्ता आनंद का रास्ता है,
जैसे जैसे इस रास्ते में बढ़ते चले जाएंगे, आपका मन, आपका शरीर प्रफुल्लित और आनंदित होता चला जाएगा। ऐसे ऐसे अनुभव आपको होंगे जो जिंदगी में आपने कभी किए नहीं होंगे। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। एक इष्ट, एक इष्ट, एक नाम, एक नाम परमात्मा का जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। किसी के कहने से नहीं, पूजा के स्थान पर जाएं, प्यार से बैठिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा को कौन सा स्वरूप ऐसा है, कौन सा नाम ऐसा है, कौन सी शक्ल ऐसी है जो रह रह के आपके सामने आती है, उसको चुने। बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर आए, सुखासन से बैठें, आनंदमय अवस्था बनाए। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं तेरे चरण में विश्राम चाहता हूं। विश्राम के मायने, जब आप अपने इष्ट के चरणों में विश्राम करेंगे, अपने आप आपका मन विचारों से खाली होगा, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा और बड़े आनंदित होके सहज भाव से, बड़े प्यार से आप वो काम कर सकते हैं जो आपको पूजा के टाइम पर करना चाहिए। निश्चित कीजिए और इस रास्ते में आगे बढ़िए। दूसरा काम, हम सुबह और शाम दो समय भोजन करते हैं। आधा घंटा भोजन में हम दोपहर को लगाते हैं और आधा घंटा रात्रि को लगाते हैं। परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए। ये समय बड़े आराम से हम अपने इष्ट की याद कर सकते हैं, क्योंकि भोजन में भी हम करते हुए परमात्मा की याद करते हैं और सुबह शाम की पूजा में ही परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का और आधा घंटा रात्रि का भोजन का समय ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में शुरू हो जाएगा जाना। 6 घंटे सोने के, हर व्यक्ति चाहे चाहे कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो, ईश्वर में बना सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि 24 में से 8 घंटे परमात्मा का चिंतन कर सकता है। अब आगे बढ़े तो हमें देखेंगे कि 8 के 16 घंटे कैसे बने। इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई और बताया कि 8 घंटे के अलावा यदि कोई समय आपके पास खाली है तो परमात्मा को दे दें। अगर खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर खाली है तो परमात्मा को दे दें। इसका तरीका उन्होंने क्या बताया कि आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आपके पास कौन सा समय खाली है। आपकी आत्मा स्वयं निर्णय करेगी समय खाली या नहीं, अगर है तो दें। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, ये सारा समय खाली है। कोई दफ्तर का काम नहीं करते, कोई व्यवसाय का काम नहीं करते, ये नित्य कर्म है, सभी को करना पड़ता है, सभी को निभाना पड़ता है और सभी करते हैं। ये समय खाली है
और बड़ी आसानी से हम ईश्वर को दे सकते हैं अगर कोशिश करें तो। मिसाल के तरीके से हम ब्रश करते हैं, क्या तरीका बताया कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु ये ब्रश करने के हैं जो 20 मिनट बेकार चले जाते हैं, इस समय का कोई लापरवाही इस्तेमाल नहीं, परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये जो काम करूँगा तेरी याद में करूँगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए, ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं, जिनके संस्कार बहुत ऊँचे हैं, उनसे तो बहुत आसानी से बन जाता है, दिक्कत नहीं आती, और जिनकी आहार विहार की शुद्धि हो जाती है उन्हें ऑटोमेटिक परमात्मा की याद बनी रहती है, उनसे तो आसानी से हो जाता है। अक्सर दिक्कत क्या आती है कि हमने शुरू किया परमात्मा की याद में काम करना, मन थोड़ी देर तक तो ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसके बाद इधर उधर भाग जाता है, कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं बाजार में चला गया, अपने केंद्र से मन हट जाता है। इसका इलाज ये कि मन से लड़ाई ना लड़िए, अगर मन से लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाबी हासिल नहीं होगी। मन को अपना मित्र बनाइए, और जब मन चला जाए दफ्तर में बड़े प्यार से समझाइए कि भाई दफ्तर में तो 8 घंटे लगाना ही है, आखिर 9 बजे से 4 बजे तक क्या करेंगे, ये 10-12 मिनट का समय है, ईश्वर के याद में लगाइए, बड़े प्यार से समझाइए और ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर तक तो मन लगा रहे, फिर कहीं तीसरी जगह चला जाए और आपको पता भी ना चले, बाज़ वक्त पता भी नहीं चलता, आत्मा कहती है कि मन कीली पर से हट गया। जब ऐसा आत्मा कहे फिर उसे प्यार से लाइए और ईश्वर की याद में लगाइए, बड़े प्यार से लगाइए। अगर मन से झगड़ा करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, बार बार करने से, अभ्यास करने से होगा। अभ्यास की एक विशेषता है, जितनी हमारी आदतें बनती हैं अभ्यास से बनती हैं। अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा, यही सिगरेट पीने वालों का भी हाल है, बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं, एक बुझी की दूसरी लगाई, यदि इनसे पूछे इसका स्वाद क्या है तो कहेंगे स्वाद ना पूछे, ये तो कड़वा कड़वा धुआं है, लेकिन आदत पड़ गई है, बड़ी मजबूरी है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है, पहले देखा देखी किसी इष्ट मित्र की पार्टी में एक पैक पीते हैं, दूसरी पार्टी में दूसरा, तीसरी पार्टी खुद देते हैं, पीते और पिलाते हैं, प्रतिदिन पीते हैं, फिर बिना पिए सो नहीं पाते, आदत और बढ़ती है, जीवन के लाले पड़ जाते हैं पर आदत वश छोड़ नहीं पाते, हालांकि स्वाद कितना तीखा है। तो एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है, ऐसे अपने जीवन में अभ्यास से अच्छी अच्छी आदतें बनाएं, ऐसी सुंदर आदत बन जाएगी कि जब ब्रश हाथ में आएगा ऑटोमेटिक आपको ईश्वर की याद आ जाएगी, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जब तक ब्रश करते होंगे परमात्मा की गहरी याद में डूबे होंगे, कुल्ला किया, ब्रश रखा, फिर दूसरा ख्याल आया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है, अभ्यास से आदत बनती है, और जब आदत बन जाती है तो फिर याद अपने आप आती जाती है बिना प्रयास के। तो एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है, ऐसे ही हमें अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को पकड़कर आदत बनानी चाहिए। ध्यान योग के कार्यक्रम
आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।